सो आज के स्टूडियो के अंदर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे गेम्स के बारे में जो कि आप लोगों को 2022 में काफी बड़े बैटल रॉयल गेम्स या तो फिर यहाँ पर जो शूटिंग मल्टीप्लेयर गेम्स हैं उनमें आप लोगों को ये नाम देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये जितने भी गेम है सभी कमाल के, एंड एक और ऐसा इंडियन बैटल रॉयल गेम भी आने वाला है जो कि ग्लोबल मार्केट में जाकर के इन ग्लोबल गेम्स को टक्कर देने वाला है। एंड उस गेम के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंड आज के स्टूडियो में हम लोग सारे गेम्स को यहाँ पर कवर करेंगे। एंड ये जितने भी गेम्स होंगे ना ये सभी आप लोग को 2022 में देखने के लिए मिलेंगे या फिर कुछ गेम आ गए होंगे या फिर आने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल के बारे में। तो वॉरजोन मोबाइल जो है वो आप लोगों को बहुत ही जल्दी जो है उसका क्लोज बीटा या फिर यहाँ पर कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एंड यहाँ पर जो है इसको जो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, एंड मैं आप लोगों को बता दूं अराउंड 10 स्टूडियोज गेम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं गेम कितना ज्यादा तगड़ा होने वाला है। एंड इस गेम की जो डेवलपमेंट है वो लगभग 2 सालों से हो रही है, एंड यहाँ पर काफी सारे स्टूडियोज गेम के ऊपर वर्क कर रही है। वैसे अभी भी गेम में यहाँ पर जो है टेस्टिंग्स वगैरह चल रही है, प्राइवेट टेस्टिंग वगैरह हो रही है, लेकिन आप लोग को जो है इसकी क्लोज टेस्टिंग या फिर यहाँ पर जो है वो आप लोग को ऑफिशियल जो बीटा वर्जन है वो आप लोग को इस ईयर में देखने के लिए मिल सकता है। एंड अभी यहाँ पर जो है कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन लीक्स तो यही बता रही हैं कि आप लोग को जो गेम है वो आप लोगों को इस ईयर में ही देखने के लिए मिलेगा। एंड अभी तक के लीक्स के हिसाब से जो अभी हम लोग को पोस्टर देखने के लिए मिला था उसके अंदर हम लोग को जो वृद्धांशक मैप है वो यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। एंड ये जो गेम है ये स्क्रैच से बनना है, मे बी यहाँ पर जो है पीसी वर्जन का पोर्ट वगैरह नहीं होने वाला है, पूरा स्क्रैच से बनेगा। काफी सारी न्यू चीजें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी मोबाइल वर्जन में जो की पीसी वर्जन से डिफरेंट होंगी। एंड बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह भी देखने के लिए मिल सकती है एक्टिविजन की तरफ से। सो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एंड जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है तो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट गेम के बारे में जिसका नाम है एपेक्स लेजेंड मोबाइल। सो एपेक्स लेजेंड मोबाइल का ऑलरेडी सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, एंड इस ईयर ये जो गेम है वो ग्लोबल लॉन्च भी हो जाएगा। एंड मई लास्ट तक यहाँ पर ये जो गेम है ये आप लोग को ग्लोबली भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है सभी कंट्रीज में जो गेम है अवेलेबल नहीं है। सॉफ्ट लॉन्च जो है कुछ ही रीजनल कंट्रीज के लिए लॉन्च किया गया है। एंड वैसे गेम जो है वो काफी तगड़ा है, गेम का साइज थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 2.9 GB के अराउंड है। लगभग पूरा डाउनलोड रिसोर्स पैक वगैरह करने के बाद आप लोगों का लगभग 4.5 GB या उससे ऊपर तक का गेम साइज जो है वो हो जाता है। एंड अभी तक आप लोगों ने अगर इसकी एक भी बीटा वगैरह ट्राई नहीं करे हैं तो आप लोग जो है वो गेम को ग्लोबली लॉन्च होते समय यहाँ पर खेल सकते हैं। एंड जैसे ही गेम इंडिया के लिए आएगा एंड ग्लोबली वगैरह लॉन्च होगा, सो उसके ऊपर आप लोग को फुल डिटेल मिल जाएगी मेरे चैनल पे। सो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और गेम के बारे में जो कि यहाँ पर बैटल रॉयल गेम तो नहीं है लेकिन काफी कमाल का मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है, एंड जो कि यहाँ पर पीसी के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है रोग कंपनी। एंड अब ये गेम आ रहा है रोग कंपनी मोबाइल के लिए। एंड वैसे इसके यहाँ पर जो टेस्टिंग के लिए जो है अभी फॉर्म वगैरह फिलअप कराए गए थे जिसके ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो भी बनाई थी। एंड अगर आप लोगों को इसके फॉर्म वगैरह फिल करने हैं इसके बीटा टेस्टिंग के लिए तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, उस वाले वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वैसे ये गेम भी जो है वो रोग कंपनी पीसी की तरह ही होने वाला है, एंड मोबाइल में कुछ चेंजेस के साथ ये गेम जो है वो मोबाइल के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। वैसे कंपनी ने इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिए, एंड नेक्स्ट मंथ तक हम लोगों को शायद से गेम का जो है वो प्राइवेट बीटा टेस्टिंग वगैरह देखने के लिए मिल सकती है। एंड इस गेम का ओपन बीटा या यहाँ पर ग्लोबल लॉन्च भी हम लोग को इस ईयर के लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा, एंड इसका गेम प्ले वगैरह एंड फुल डिटेल आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड वैसे पीसी में तो गेम कमाल का है, देखते हैं मोबाइल पोर्ट में कैसा रहता है गेम। सो बात कर लेते हैं हम लोग एक और शूटर गेम के बारे में जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है पीसी एंड कंसोल्स में, एंड इसका नाम है वैलोरेंट। एंड वैलोरेंट गेम जो है आप लोगों में से शायद सभी लोग जानते होंगे, एंड ये गेम भी जो है वो ऑफिशियली अनाउंस तो हो चुका था लेकिन अभी तक इसके जो है बीटा वगैरह या फिर उससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी भी गेम इन डेवलपमेंट में है लेकिन इस ईयर तक यहाँ पर सब लोगों को चांसेस है कि हम लोगों को गेम जो है वो ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी। एंड वैलोरेंट मोबाइल के डेवलपर्स ने भी ये चीज बताई थी कि यहाँ पर जो गेम है वो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने के लिए मिलेगा। तो पिछले साल यहाँ पर जो गेम है अनाउंस हो चुका था, तो इस साल हम लोगों को वैलोरेंट मोबाइल का बीटा देखने के लिए मिल सकता है। एंड मिड ऑफ दिस ईयर में हम लोगों को शायद इस गेम से रिलेटेड कुछ जो है वो ऑफिशियल प्राइवेट या बीटा वगैरह हम लोगों को कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल सकता है। वैसे भी वैलोरेंट मोबाइल से रिलेटेड कुछ ज्यादा लीक्स वगैरह निकल करके नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग तो वैसे जानते होंगे किस टाइप का गेम प्ले वगैरह रहता है। एंड अगर आप लोग FPS गेम्स खेलते होंगे एंड आप लोग ट्रेलर भी देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में जो कि वैलोरेंट का है, वैलोरेंट मोबाइल का नहीं है। सो अभी तो हम लोग वेट कर सकते हैं कि वैलोरेंट मोबाइल से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह निकल के आए, एंड जैसे ही आती है तो मैं आप लोग को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट बात कर लेते हैं इंडियन बैटल रॉयल गेम के बारे में। एंड ये गेम काफी टाइम से डेवलपमेंट में है, मे बी अराउंड 2 ईयर हो चुके होंगे इस गेम की डेवलपमेंट को स्टार्ट हुए। एंड ये जो गेम है ग्लोबल लेवल पे जाकर के जो बैटल रॉयल गेम्स है उनको टक्कर देने वाला है। वैसे ये जो गेम है ये सुपर गेमिंग बना रही जो ऑलरेडी कई सारे हिट गेम्स दे चुकी है। एंड अब आप लोगों को इंडियन कल्चर्स पे बेस्ड एक बिल्कुल न्यू स्टोरी लाइनअप के साथ ये गेम देखने के लिए मिलेगा।
वैसे इस गेम के ऊपर मैं काफी डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अगर आप लोग इस गेम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये गेम भी आप लोग को इस ईयर के लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा। मे भी उससे पहले आप लोग को प्राइवेट बीटा वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन जो गेम है वो प्लेबल सबके लिए होगा अराउंड इस ईयर के लास्ट तक। एंड अभी भी जो गेम है वो डेवलपमेंट में चल रहा है, एंड हम लोग को इस ईयर के मिड तक या ट्रेलर या टीजर वगैरह इस गेम से रिलेटेड देखने के लिए मिल सकता है, एंड कुछ अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिलेंगी। एंड ये गेम जो है काफी तगड़ा गेम होने वाला है इंडिया की तरफ से। एंड इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी ना, तो मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि आप लोग को सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। एंड अगर आप लोग इस गेम के लिए इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड ये थे सभी कमाल के गेम्स जो कि आप लोग को 2022 में देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड आप लोग इन 5 गेम्स में से किस गेम के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आपको क्या लगता है कि कौन सा गेम जो है वो मार्केट में हिट होने वाला है।